ना करे या कोई कह रहे कि इस बिल को रोक दिया जाए और पार्लियामेंट ये काम अपना ना करे। और फिर इसके बाद किसानों के फायदे का बिल, ये वो बिल है जिससे पहले पाकिस्तान के आप 73 साल एक तरफ रख दीजिए, 71 साल यानी 74 साल में से 71 साल एक तरफ रख दीजिए जब इमरान खान की हुकूमत नहीं है, और 3 साल एक में रख दीजिए और फिर आप सुनिएगा, ये फैसला कीजिएगा। जो बिल मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले करने वाली हुकूमतों के काम है, जो सारे पेंडिंग एजेंडा था, स्टेटस को था, उसको हम तोड़ रहे हैं। तो स्टेटस को हमारा रास्ता रोकने की कोशिश तो करेगा, लेकिन इसके बावजूद ये रिफॉर्म का रास्ता, कानून साजी का रास्ता और ये इंतजामी इस्लाहात का रास्ता ये नहीं रुकना चाहिए, नहीं रुकेगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ बैरून मुल्क यकीन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से अपनी तरफ से कि वो बिल पास होंगे इंशाल्लाह। ये जो किसानों के फायदे का बिल है, लोन उसमें हम तरामीम ला रहे हैं ताकि किसान कार्ड जो प्राइम मिनिस्टर ने जारी किया है उसके हवाले से सहूलत, उसके रास्ते की रिकावटें दूर की जा सकें। और उसका नतीजा है कि आज जो रूरल पंजाब है, रूरल जो पाकिस्तान है, उसके अंदर कहीं पे भी कोई किसान नाखुश नहीं है। वो गन्ने की कीमत हो, खा वो गंदों की कीमत हो, और खा वो उनको आसानियाँ फराम करने के लिए जो रिफॉर्म जो सब्सिडीज है, टारगेटेड सब्सिडीज, वो पहली दफा हो रही है। और इसके साथ साथ फिर मैं खवातीन की तरफ वापस आता हूँ, इसलिए अक्सरीती आबादी हमारी मुहतरम पराधीन की है। दो अमेंडमेंट बिल जो हैं, एक है मुस्लिम फैमिली लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 और दूसरा मुस्लिम फैमिली लॉ सेक्शन 7 की अमेंडमेंट का बिल। खवातीन के जो मसाइल पैदा होते हैं, जब शादी के झगड़े होते हैं, उनको हक़ नहीं मिलता, उनके से जाता है और उन जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये तो मैक्सिमम आवाज़ थोड़ी खोल दी उनके हुकूमत के लिए पहले जिस गवर्नमेंट तारीख साल रिकॉर्ड की क्या रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ से खुलता भी नहीं है। एक तो महंगाई से डील करने के लिए COVID-19 प्रिवेंशन एक्ट होल्डिंग बिल 2021 जारियों में भी, और COVID-19 के हवाले के मोबाइल के हवाले से भी, और इस्लामाबाद की चैरिटीज रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन फैसिलिटेशन बिल है, ये फैक्टर की रिक्वायरमेंट। मैंने ये दूसरी बात तफसील से इसलिए चाहूँगा के काम के सामने ऊपर आए नहीं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का सारी दुनिया की पार्लियामेंट के साथ जब आप मुकाबला करेंगे तो आपको पता लगेगा या रिकॉर्ड इस बात का बनता रहा है हमेशा कि कानून सारी आवाम के हक में रोकने की कोशिशें होती है। अपोजिशन को हम दोबारा इंगेज कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि चंद दिनों के अंदर ये जो बिल्स जिनके ऊपर वो बात करना चाहते हैं वो बात करके हम उनको दोबारा इंशाल्लाह विल बी ऑन ट्रैक और दोबारा बहुत जल्द हम जॉइंट सेशन मुनक्कद करेंगे। तीसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो लोग कहते थे पहले कि अपोजिशन से आप बात फिर करें, हमने तो नहीं दरवाज़ा बंद किया, वो खुद नहीं बात करना चाह रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि आप हुकूमत से बात नहीं होगी। फैटक ने बात कहा, उससे पहले कहा, फिर अब वो कहते हैं कि जी बात जो स्पीकर साहब ने कल रब्ता किया था कि वो आपस में बात करके फिर वो बताएंगे कि किस तरह से वो रिफॉर्म के एजेंडे, लॉ रिफॉर्म के एजेंडे के ऊपर, जो खासतौर पर पहले दो बिल हैं आई वोटिंग ईवीएम और इलेक्शन रिफॉर्म्स, उनके ऊपर बात करेंगे। हम तो पहले दिन से एक कोशिश में आया है इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान के लेकिन साथ, वो कोशिश ये है कि पार्लियामेंट का जो प्राइम जॉब है और प्राइमरी जॉब है, ये दोनों प्राइम और प्राइमरी जॉब पार्लियामेंट का ये है कि वो उसकी एक सिटिंग के ऊपर मिलियंस के हिसाब से पैसे लगते हैं, उसकी एक कमेटी सिटिंग के ऊपर हर मेंबर को पैसे मिलते हैं, उसकी एक सिटिंग के अंदर खाबिल मेम्बरान को खाब सूबाई पार्लियामेंट हो, खा वो नेशनल असेंबली हो, सेंट को पैसे मिलते हैं बैठने के।
उसका नतीजा अगर हम आवाम की तकलीफों को दूर करने के लिए जो तब्दीली का एजेंडा है कि हम इसको फलाई रियासत के करीब ले जा सकें और ख्वातीन और बच्चे जो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, हमारे सिंफ नाजुक और नाजुक और मासूम बच्चे, उनके खिलाफ होने वाली जो जुर्म है उनको रोकने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का एजेंडा है, वो एजेंडा गैर सियासी है, वो कौमी एजेंडा है। दो बातें मैं और आपके सामने कहना चाहता हूँ। देखिए, जो इमरान कहता है वो करके भी दिखाते हैं। कल की आप मिसाल आपके सामने जरा रखें, जो मुजरिम और मुलजिम सजा याफ्ता नाएल शुदा भागे हुए मफरूर या कौमी खजाने की चोरियों में पकड़े हुए लोग जब पेश होने के लिए जाते हैं तो आपको पता लगता है कि अलका फोन और बाहर की तरह उनके इर्द गिर्द और तो बच्चों वाला लश्कर होता है। प्राइम मिनिस्टर गए, अकेले चले गए, मुल्क की सबसे आला तरीन अदालत ने बुलाया था। इसीलिए जब वो ये कहते हैं कि मुल्क में एक कानून होना चाहिए और उस कानून के नीचे अपने आप को भी वो इस कानून के सामने एहतराम करते हुए वो झुक के फौरन पहुंच जाते हैं, अभी नोटिस मिला नहीं था उसके बावजूद जुबानी इतलाह भी पहुंच जाते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि इस मुल्क को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की जरूरत है ताकि अली कैप्चर को और जो ग्लोरीफाई किया जाता है मुजरमों को, अपने घर से लाए हुए बंदे, कभी कोई दाढ़ी चूम रहा होता है, कभी कोई फूल फेंक रहा होता है, पता लगता है कि कौन सा महाज भी पता करके पाकिस्तान के लिए आए, तो उस कल्चर के खात्मे का तरीका दूसरा कोई नहीं है। दो दरवाजे पार्लियामेंट के अंदर से खुलते हैं, एक कानून की बालादस्ती का दरवाज़ा और दूसरा रिफॉर्म का, इस्लाहात का दरवाज़ा है। दोनों जगह कानून की बालादस्ती के लिए जो रिफॉर्म्स हम लेके गए उन पर हम हर सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बात करने के लिए तैयार हैं। मैं कौम से अपील करता हूँ और कौम के दानिशवरों से और साहबियों से मैं ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ ये एजेंडा देखें और इस एजेंडे की हिमायत करें, इसलिए कि बड़ी देर हो गई है लोगों को इंसाफ, सारी सत्ता और उनके दरवाजे पे पहुंचने में बहुत देर, मजीद देर नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पर